इस वक्त पी चिदम्बरम सिंगापुर जाके बड़े मस्त बड़े तड़फड़ा रहे हैं, और कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है उन्हें। अच्छा, मैंने सुना है वहां कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, बहाना शायद उसका बनाया, या कोई लेक्चर देने जा रहे हैं, कुछ ऐसे रीजन उन्होंने गवर्नमेंट को साइट किया है। पैसा 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 जी, वो खनखनाहट थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है ना कॉइन्स की। खनखनाहट में जवाब में इसमें तो केस नहीं डाल सकते, लेकिन मुझे इशारा कर देंगे, ये क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, क्योंकि दर्शकों को माइंडसेट का उन्होंने जितना भी घोड़ा दौड़ाने दो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जॉर्ज सोरेस वाइफ राहुल गांधी मीटिंग लंदन में हुआ थे कहा था, उसको जवाब मैंने दिया 2024 चुनाव, लेकिन आज मैं कह रहा हूं पी चिदम्बरम गेट्स कोर्ट नॉट टू सिंगापुर ट्रेवल टू अपील फॉर अ क्लाइंट, यस ही इज गोइंग फॉर अपील फॉर अ क्लाइंट, बट अगेन इट इज मिडिल ऑफ दैट कॉन्ट्रोवर्सी इज 2024 चुनाव। सर, ऐसा सोशल मीडिया में कहा जाता है, आई कैन नॉट बी वेरी श्योर, बट सोशल मीडिया में ऐसा कहा जाता है कि पी चिदम्बरम के बहुत सारे बिजनेसेस और अकाउंट्स ना साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ही हैं, उधर ही इसीलिए तो उनके। सुब्रमण्य स्वामी ने तो ओपनली बोल दिया ना मैडम, 40 पन्ने का चिट्ठी लिखा है नरेंद्र मोदी का 2016 में, सुब्रमण्य स्वामी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद भी मिस्टर चिदम्बरम का कितना जगह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सारा टेलीविजन को फोटो भी दिखा दिया ना जी। सो पी चिदम्बरम को ग्रैंड डॉटर, सन इन लॉ, सन एंड डॉटर इन लॉ, दे आर ऑल इन लंदन। ये फर्स्ट ऑल्टरनेट मीडिया का दर्शकों को ये चीज बताना चाहता हूं मैं, पी चिदम्बरम का परिवार लंदन में मकान लेकर के दे आर स्टेइंग देयर, देयरफॉर फॉरेन इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर देम। लंदन में सुरॉस, लंदन में एसआई चीफ, लंदन में राहुल गांधी, और सिंगापुर जा रहे हैं पी चिदम्बरम। सो थोड़े से डॉट्स कनेक्ट, नहीं 2024 की। ये डॉट्स कनेक्ट करोगे, रॉबर्ट वाड्रा का लंदन में 3 मकान है, वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आप गूगल करके देखिए, टाइम्स नो में, जिसको मैं अभी निजी तौर पर उनके में जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से, निकुंज गर्ग करके एक एडिटर है, वो अभी अभी बोल रहे मुझे, इवन लास्ट वीक ही टोल्ड मी दैट लंदन में रॉबर्ट वाड्रा का मकान है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्वेश्चन भी किया है उसको। उधर आपका संजय भंडारी नाम सुना होगा, मिडिल मैन, वो भी उधर रहता है। सो लंदन इज अ हेवन ऑफ यू नो द टाइप ऑफ एंटी इंडियन नेशनल्स। डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस डील्स में जो घपले हुए, उसमें भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया हुआ है, वहीं बैठे हुए हैं वो लोग भी, लंदन में ही बैठे हुए हैं। हाँ, वो संजय भंडारी। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, ज्यादातर सर आई थिंक यू विल एग्री विद मी, ज्यादातर जो तमिल वाली इन्वेस्टमेंट होती है, जो तमिलनाडु से होती है, वो मतलब ऊपर अबव द टेप नहीं, डाउन द टेबल वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया ज्यादा जाती है, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, उस सब एरियाज में। तो अब चिदम्बरम जी उधर जा रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए अपीयर करने के लिए, तो अब पता नहीं कौन सा इतना इंपॉर्टेंट क्लाउंट है जो उनको इस उम्र में बुला रहा है, मतलब यू नो नहीं, इज उतना नॉट। नॉलेज भी है ना जी उसको, उतना बुद्धिमती है, इतना नॉलेज है उसको, कन्वर्ट कर रहे इनटू कैशिंग दैट नॉलेज। ही इज अ वेरी रिप्यूटेड एडवोकेट, बहुत बहुत शानदार एडवोकेट है, सॉलिड एडवोकेट है, उसको स्वागत करना चाहिए, हम लोग तो उसको ऊपर सस्पिशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पी चिदम्बरम साहब बहुत अच्छे आदमी है, अगले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। जी इतने अच्छे आदमी है सर कि बस डेलारू वाला खुल गया गलती से, नहीं तो बहुत ही अच्छे आदमी है। नहीं, पी चिदम्बरम साहब इतना अच्छा आदमी है, देश का रुपया नोट में पाकिस्तान को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, डेला रू में अरविंद मायाराम को भी इशारा किया है। सो ये चीज हम लोग पुष्टिकरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन पी चिदम्बरम अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा आदमी सर, बहुत अच्छे लॉयर है, टॉप नॉच के, कि अपना देश कोई बात नहीं, अपना देश गरीब रहे पर पाकिस्तान अमीर होना चाहिए, बहुत पाकिस्तान अच्छा और आदमी। सिंगापुर, सिंगापुर में भी जा करके कोर्ट में जाना, इंडियन कोर्ट में उनको रेस्पेक्ट तो है, लेकिन फॉरेन कोर्ट में भी जाते, अच्छा है, वेलकम डिसीजन। वेलकम डिसीजन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, मतलब तीन स्कूप और तीनों एकदम बम्बार्डिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, राजा गोपालन सर का ट्विटर हैंडल डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया, और सर का ट्विटर हैंडल पे फॉलो करिए, वहां पे बहुत बड़े बड़े स्कूप्स रिलीज करते हैं सर, छोटी थैंक छोटी यू, दो चार लाइनों में। थैंक इसी के साथ
जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार नमस्कार।